पेट्रोल के बढ़ते दाम देखकर भाई ऑलमोस्ट सारी कंपनियां अब सीएनजी के अंदर गाड़ियां निकालने लगी हैं। मारुति की भाई स्टार्टिंग रेंज की गाड़ी है, और मेरे भाई जो भी टू व्हीलर चलाते हैं और वो उनकी पहली गाड़ी कोई भी होती है फोर व्हीलर, तो मोस्टली वो मारुति की स्टार्टिंग रेंज यही लेते हैं। तो भाई देखते हैं इसके अंदर हमारे को ये सीएनजी वेरिएंट मिलता है, इसके अंदर हमारे को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका दोस्त सचिन गौर, और आप भाई सामने देख रहे हैं मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। भाई ये सीएनजी वेरिएंट है, इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक एलएक्सआई और एक वीएक्सआई। जो आप सामने देख रहे हैं ये वीएक्सआई मॉडल है, इसकी 6,11,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। तो भाई गाड़ी के अंदर देखते हैं हमारे को क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ये भाई मारुति की स्टार्टिंग रेंज गाड़ी आती है, तो स्टार्ट करते हैं भाई स्टार्टिंग से। ये भाई इसको मिल जाता है मारुति का लोगो, मैट फिनिश के अंदर आपको मिलती है इसकी ग्रिल, और ये आपको मिलते हैं हाइलोजन के अंदर इसके हेडलैम्प्स, यहाँ पर मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। नीचे आपको भाई इसका प्रॉपर ब्लैक फिनिश के अंदर मैट बम्पर मिलता है, और इसके अंदर फॉग लाइट नहीं आते हैं। साइड की अगर बात कर लेते हैं गाड़ी की, तो इसको MRF के टायर्स आते हैं, जो कि जिनका टायर साइज़ है आपका 165/70 R14 14 इंच के इसको रिम्स मिलते हैं विद व्हील कवर, और MRF के इसके टायर्स आते हैं। साइड में भाई इसके नीचे ही आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है, और फेंडर लाइन पर ही आपको इसका इंडिकेटर मिलता है। इसके जो साइड मिरर्स हैं और जो हैंडल्स हैं वो आपको ब्लैक फिनिश के अंदर ही मिलेंगे, या आप इनको अंदर से ही आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको इस तरीके का कुछ एंटीना मिल जाता है, और यहाँ से भाई आपकी सीएनजी और पेट्रोल दोनों फिल होते हैं। बैक साइड से भाई कुछ इस तरीके की गाड़ी की लुक है, एस्प्रेसो की बैजिंग, ये सुजुकी की ब्रेजिंग, ये राणा मोटर्स पे रम है भाई वहाँ की, ये आपको मिलती है बैक लाइट, और इधर मिल जाता है आपको सीएनजी की बैजिंग। साइड में बात कर लेते तो भाई इस तरीके की इसको टेल लाइट्स मिलती हैं, ये इंडिकेटर, ये बैक लाइट, और ये प्रॉपर लाइट का पूरा सेटअप। नीचे भाई इसको मिल जाता है पीछे ब्लैक बम्पर, पीछे दो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, नीचे आपको इसका टोइंग हुक मिलता है, और इधर आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट, ये आपको मिलते हैं साइड में रिफ्लेक्टर्स, और आपको यहाँ पर कोई वाइपर नहीं आता और ना ही कोई डिफॉगर आता है। तो भाई साइड से गाड़ी कुछ इस तरीके से अब देखते हैं, इसके अंदर कोई कीलेस एंट्री वगैरह कुछ नहीं होती है भाई, बेसिक स्टार्टिंग रेंज इस मारुति की स्टार्टिंग रेंज की गाड़ी है, इसको आप मैनुअली ओपन कर सकते हैं। ये इसका नॉर्मल गेट मिलता है आपको, यहाँ से ग्रैब हैंडल या आपका स्पेस कुछ रखने के लिए, यहाँ बोतल, यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है, ये आपके मिलता है आपका लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये ORVM को कंट्रोल करने के लिए। ये भाई इसको हुड खोलने के लिए मिल जाता है आपको, ये लाइट की लेवलिंग ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ स्पेस, और ये आपका CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG स्विच करने के लिए आपको एक बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है स्टार्ट करने के लिए कीज़, इसके अंदर कोई स्टार्ट नहीं आता है। ये आपका लाइट्स मिल जाती हैं, इधर आपके वाइपर के कंट्रोल्स, और कुछ इस तरीके का दिखता है भाई आपका डैशबोर्ड। ये आपका बेसिक स्टेयरिंग आता है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं आते। यहाँ पर आपका म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है बेसिक, ये आपका वॉल्यूम वगैरह के लिए, इधर ये आपका ट्यून वगैरह, ये सारा म्यूज़िक सिस्टम। इधर आपको मिलती है इसकी MID, जहाँ पर आपका डिजिटली आपकी स्पीड वगैरह सब कुछ शो होती है। इसी के नीचे आपको हैज़ार्ड लाइट आती है, और यहाँ से मिलती है आपकी पावर विंडो आगे की दोनों, ये आपकी कंडक्टर साइड की मिल जाती है, और इधर आपकी ड्राइवर साइड की। ये आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं म्यूज़िक सिस्टम के, फ़ोन वगैरह उठाने काटने के लिए, मेन्यू वगैरह। इधर आपको नीचे मिल जाता है इसका मैनुअली AC मिल जाता है भाई इसको, और यहाँ मिलते हैं आपको इसके AC वेंट, चार AC वेंट मिल जाते हैं इसको, और ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाते हैं। इसके अंदर दो एयरबैग्स आते हैं, ये 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स आता है, नीचे आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है भाई इसको,
इसके अंदर नीचे आपको क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर इधर मिल जाते हैं, और यहाँ से आप अपना पेट्रोल के लिए और बूट ओपन करने के लिए वो कर सकते हैं। अब देखते हैं भाई इसका बूट स्पेस, पहले एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ आपको। ये भाई इसको बूट स्पेस मिलता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर प्रॉपर सिलेंडर आ जाता है, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं, इसको पार्सल ट्रे नहीं आती है। ये यहाँ से आप इमरजेंसी के अंदर आप इसको बंद कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर छोटा मोटा सामान, और इसको आप ऐसे दबाकर फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सामान रखना है, आप दो आदमी बैठे तो आप इजीली यहाँ पर सामान ऐसे रख सकते हैं। ये आपकी 60-40 फोल्ड नहीं होती, पूरी 100% फोल्ड होती है। और इसको बूट को भी आप कीज से खोल सकते हैं मैनुअली। पीछे भी भाई आपको इस तरीके से मिलता है, आपको इसके विंडो डाउन करने के लिए इस तरीके से आपको पीछे मैनुअली घुमाना पड़ेगा ये। और ये भाई आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, कुछ इस तरीके का भाई आपको स्पेस मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन हो रखी है, एक सेकेंड, ये आपको स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। ये आपको पीछे बैक पॉकेट मिल जाती है चेन वाली, बोथ साइड दोनों तरफ आपको बैक साइड में पॉकेट मिलती हैं यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए, और इस तरीके का कुछ स्पेस, और सामने का भाई डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। और पीछे आपको मिल जाते हैं दो हेडरेस्ट। तो भाई कुछ इस तरीके का एस्प्रेसो का इंजन दिखता है, और ये 998 सीसी का इसका इंजन आता है, 55.92 बीएचपी की इसको पावर मिलती है, और 82.1 एनएम का इसको टॉर्क मिलता है। तो यही था भाई गाड़ी का रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और भाई आपको मैं पीछे से ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सीएनजी कहाँ फिल होती है। इसी के अंदर आपको पेट्रोल का मिल जाता है, और यहीं पर आपको सीएनजी का मिल जाता है। इन केस अगर ये आपका प्रॉपर बंद नहीं होता तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ये सेफ्टी की वजह से इस तरीके से करते हैं। तो यही था भाई गाड़ी का रिव्यू। अगर आप